टाइल्स लगे हुए हैं इस मकान में और वाटरप्रूफ ये पल्ले लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाटरप्रूफ तो वाटरप्रूफ लगा हुआ है। अच्छा, हाइट भी आपने लगभग 6.5 फीट, ये 6.5 फीट है भाई, प्लस 1.5 फीट का वेंटिलेशन ऊपर है जी। ये आ जाते हैं, यहाँ पे भी देखिए एक विंडो दिया हुआ है छोटा सा, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन जो है यहाँ भी बना रहे। अब आप देखिए, एक तो ये हो गया, प्लस ये दो वेंटिलेशन आपको ये मिल रहे हैं। इसमें भी भाई प्रॉपर फॉसलिंग है। अच्छा, यहाँ भी प्रॉपर फॉसलिंग देखिए दी है। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें LKO मस्ती चैनल को और देखते रहें हमारी आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले। My Two Family, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आ चुके हैं प्रभात भाई के पास। बहुत बहुत स्वागत है प्रभात भाई आपका हमारे चैनल पर जी। और एक बार हमारे जितने भी हेलो देख रहे हैं वीडियो, सभी को हेलो बोल दीजिए। आज का जो वीडियो है, खासकर जो है इसमें मकान जो प्रभात भाई आज दिखाएंगे काफ़ी अच्छे अच्छे। वैसे आप जानते हैं कि जब भी प्रभात भाई के पास हम आते हैं तो काफ़ी खूबसूरत और अच्छे मकान और सस्ते मकान भी भाई के पास रहते हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको बता देते हैं कि भाई के पास स्टार्टिंग जो है वो मकान की क्या है वो हम बता दे रहे हैं। कम से कम रेंज से स्टार्ट है, लखनऊ के बीचों बीच का एरिया है। अभी हम खड़े कहाँ पर बता दिए भाई जरा? ये फैजुल्लागंज में भाई, फैजुल्लागंज ग्वायर भीट में ये लगता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास प्रीति नगर, प्रीति नगर, फैजुल्लागंज, केशवनगर, भरत नगर, मतलब ये सीतापुर रोड से ही लगा हुआ 1.5 किलोमीटर की रेंज में ये आपके पास रहे सारे मकान में। सारे मकान स्टार्टिंग क्या है आपके पास रेंज? अरे भाई 450 स्क्वायर फीट से लेके 17.5 लाख से, 17.5 लाख से मकान की स्टार्टिंग आपके पास, और 17.5 लाख में जो है वो 450 है। फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं, आज जिस मकान को हम दिखाने आए इसकी बात करते हैं। भाई के पास बहुत सारे मकान हैं, आप कॉल करेंगे तो व्हाट्सअप पे आपको फोटो वगैरह और सारी चीज़ें भेज देंगे। ये मकान जो है ये कितने स्क्वायर फीट? 600 स्क्वायर फीट है। 600 स्क्वायर फीट, तो 600 स्क्वायर फीट का मकान है। आइए अंदर से हम आपको दिखाते हैं। देखिए 600 स्क्वायर फीट में इसमें आपको जो है बाइक पार्किंग मिल रही है, ये गेट आपका मिल रहा है जो कि लोहे का काफ़ी मजबूत है, और इसमें जो है ये ऊपर सेफ्टी के लिए भी भाई देखिए लगा हुआ है। अच्छा, ये ऊपर कवर्ड कर रखा है, सेफ्टी कवर्ड कर रखता है, कोई फांद के ना है जी। बाकी आप देख सकते हैं कि बाहर से लेकर के अंदर तक मकान में लाइट्स फॉर सेलिंग ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट कर रखी हैं। यहाँ पे दो बाइकें आप आराम से खड़ी कर सकते हैं, है ना जी। दो रास्ते इसमें आपने दिए हैं, एक आपका हो गया ये सीधा मेन कॉमन है भाई, ये आपका गेस्ट रूम के लिए है कि जैसे कोई आए तो। अब हम यहीं से एंट्री करते हैं जी जी। ये देखिए, ये आपका एक तो रूम ये मिल जाता है, ये देखिए एक रूम ये मिल रहा है जो कि ये कितने बाई कितने का भाई? ये भाई 8x12 का है। 8x12 मतलब 600 स्क्वायर फीट में 8x12 का रूम ये मिल रहा है, प्लस आपको यहाँ पे विंडो देखिए काफ़ी बड़ी मिल रही है। ये देखिए ये विंडो आपको मिल रही है जिसमें प्रॉपर पीछे से मतलब कवर्ड है सारी चीज़ें, शीशा लगा हुआ है, और यहाँ पे आप चाहें तो ये एक विंडो एसी भी। हाँ, विंडो एसी के लिए भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी दिया हुआ है देखिए। बाकी यहाँ पे सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग आपको प्रॉपर मिलेगी। टाइल्स लगे हुए हैं इस मकान में और वाटरप्रूफ ये पल्ले लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाटरप्रूफ लगा हुआ है। अच्छा, हाइट भी आपने लगभग 6.5 फीट, ये 6.5 फीट है भाई, प्लस 1.5 फीट का वेंटिलेशन ऊपर है जी। ये आ जाते हैं हम आपका डाइनिंग का, डाइनिंग स्पेस तो मेरे ख्याल से ये भी करीबन 8x8 का होगा। नहीं, इसका स्पेस भाई ऐसे ही है, 8x10 8x10 है यहाँ तक, है ना। तो ये आपका देखिए डाइनिंग का स्पेस मिल गया यहाँ पे, एक अच्छा खासा मान के चलिए 5 सीटर 4 सीटर। हाँ, 4 सीटर तो आराम से, 4 सीटर डाल के मतलब जगह भी रहेगी, जगह भी है। ये आप देख सकते हैं इधर ये अपना लगा हुआ है, बहुत बेसिक लगा हुआ है हाथ वगैरह धुलने के लिए जी। बाकी यहाँ पे भी देखिए एक विंडो दिया हुआ है छोटा सा, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन जो है यहाँ भी बना रहे। अब आप देखिए, एक तो ये हो गया, प्लस ये दो वेंटिलेशन आपको ये मिल रहे हैं। इसमें भी भाई प्रॉपर फॉसलिंग है। अच्छा, यहाँ भी प्रॉपर फॉसलिंग देखिए दी है, और उसके बाद फिर आपका एक बेडरूम और ये किचन। ये पहले किचन आप देख लीजिए, किचन में देखिए प्रॉपर स्पेस मिल रहा है आपको। ये किचन है जिसमें अच्छा खासा स्पेस है, और ये आपको यहाँ पे ये विंडो मिल रहा है जिससे रोशनी आपके अंदर आ रही है, जिसमें आपको टाइल्स और टोटी वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट है ना, पत्थर भी लगा हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है। अच्छा, ये ग्रेनाइट लगा हुआ है, ठीक है। कितना एरिया होगा लगभग ये किचन का? किचन का एरिया भाई आपका करीब ये है 6x8 का जी। 6x8 का एरिया ये हो गया, प्लस आपका ये रूम है जो बेडरूम, ये बेडरूम है भाई। बेडरूम में आपको देखिए पीओपी और लाइट्स लगी हुई हैं,
क्योंकि ये लाइट से देखिए क्या वार्डरोब भी बना अच्छा, ये वार्डरोब के लिए बना हुआ है जी। मतलब यहाँ पे आप इस पे वो कवर करा लीजिए जी, कवर करा लीजिए, ओपन रखिए, अलमीरा बना दी है। हाँ मतलब वो अपने हिसाब से आप बना रख सकते हैं, जैसे भी ये देख सकते हैं टाइल्स यहाँ भी प्रॉपर पूरा जो है वहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही टाइल्स लगे हैं जी, एक ही टाइल्स। और इसका एरिया भी भाई ऐसे 10 ऐसे 13.5 है। अच्छा, 10 बाई 13 का रूम एक ही हो गया। वेंटिलेशन के लिए देखिए एक ऊपर ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और एक ये आपका यहाँ पे ये थोड़ा सा दिया हुआ है ये वेंटिलेशन के लिए, और ये आपका जो है वो टीएस है जो कि आपको यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन देगा, और ऊपर देखिए पूरा कवर्ड है, ढका हुआ है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट ऐसे मिलेंगी, है ना। यहाँ पे आप जो है अपना वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, तो ये स्पेस काफ़ी आपको मिल रहा है वॉशिंग मशीन के लिए। तो इस मकान का प्राइस क्या है वो हम आपको अभी बताते हैं, इसका प्राइस क्या है। ये देखिए ये आपको मिल रहा है लैट्रिन जो है आपका अटैच वॉशरूम, ये देखिए पूरा काफ़ी जगह इसमें आपको मिल रही है, स्पेस आप देखिए कितना है। और ये देखिए इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट आपको मिलेंगी। यहाँ पे देखिए शावर लगा हुआ है, गीज़र के लिए पॉइंट दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। मतलब 600 के मकान में जो चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए वो है। ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी खूबसूरत आपका जो है ये लग रहा है ये जो होलसेलिंग है। और अब आइए हम चलते हैं ऊपर छत पर, और वहाँ पर भी एक रूम है। तो इसमें जीने पर आप देखेंगे ये प्रॉपर जो है यहाँ पर इसमें मार्बल लगा रखा है। ये देखिए रेलिंग लगी हुई है तो ये मार्बल है। और ऊपर मुमटी पे भी आप आएंगे जब तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी जगह देखने को मिलेगी, जैसा कि आप देखें यहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई हैं और ये प्रॉपर जगह है, ये रेलिंग लगा रखी है यहाँ पे। और इधर आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा विंडो भी दे रखा है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। ये यहाँ पे डोर भी दिया है देखिए, और ये आपकी बालकनी है जो कि ये बालकनी से आप पूरा एरिया देख सकते हैं इधर का। सामने दुकान है और इधर मकान बने हुए हैं, ये बालकनी है। अब आइए अंदर रूम दिखाते हैं हम आपको। तो ये रूम देखिए, ये रूम कितना बड़ा है भाई? बस वही साइज है भाई, 8x12 का ये भी है। अच्छा 8x12 का ये भी है, ठीक है। रूम आप देखिए यहाँ पे आपको पीओपी और लाइट, पीओपी माइनस प्लस पीओपी है भाई, प्लस आपको विंडो उतना ही बड़ा जितना नीचे लगा हुआ है सेम मिलेगा। पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे आप एसी ऊपर भी यूज कर सकते हैं, और डोर सारे वही यूज किए हैं। हाँ, सब लैमिनेटेड डोर है भाई। अच्छा ये उससे वाटरप्रूफ है? वाटरप्रूफ है। ऊपर जब आप आएंगे लैट्रिन की जगह आपकी छुट्टी हुई, देखिए यहीं पे आप एक ऊपर जैसे बनाने हैं आपको, तो देखिए पाइप पड़ा हुआ बस इसी। अच्छा। के ऊपर दीवार उठा के यहीं पे बाथरूम बन जाएगा। और बाकी ऊपर भी देखिए लाइट वेट लगी है, यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन है, लाइट्स लगी हुई हैं। ऊपर जाने के लिए अगर कहेंगे तो एक लोहे का जीना भी लगवा दिया जाएगा। अच्छा ऊपर जाने के लिए अगर बोलेंगे तो एक जीना भी लगा देंगे, लोहे का जीना भी लगा। ये प्रॉपर देखिए ऊपर से कवर्ड है कि आपका जो है बारिश हो तो पानी जो पानी ना जाए, बाकी वेंटिलेशन के लिए खुला है चारों तरफ से। बाकी ये पिलर पे है, पिलर भाई ये पिलर अलग है, वो पिलर अलग है, अलग अलग पिलर पे मकान बना हुआ है। अभी ये बताइए प्रभात भाई कि इस मकान का जो प्राइस है वो क्या है, और हमारे भाई लोग जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं उनका लोन का सुविधा वो सारी चीज़ें जी जी। देखिए प्राइस हम लोग ने 28 लाख रुपये रख रखा है। अच्छा, और ज़्यादा निगोशिएबल नहीं है। अच्छा, और 90% फंडिंग यहाँ पे बैंक करता है। 28 लाख रुपए जो आपने बताया ये बहुत मतलब नेगोशिएबल नहीं होना है, बहुत व्यूअर्स के लिए हैं कि जो आए। अच्छा, उनके लिए बस थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत टेबल जी, ऑन टेबल थोड़ा बहुत हो जाएगा। अच्छा 28 लाख में है। आगे का फ्रंट कितना है इसका? फ्रंट है भाई इसका 17 फुट 2 इंच, 17 फुट 2 इंच, और गहरान इसकी 35 फीट है। 35 फीट है। तो देखिए सबसे मेन चीज कोई भी वीडियो है पूरा देखा करिए, वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप कॉल करें अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है, आप बुकिंग करा सकते हैं, आ सकते हैं, देख सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद आएँ, चेक करें, देखें, सारी चीज़ें बढ़िया लगें तब अपना बुकिंग कराएं, है कि नहीं? सारी चीज़ नियर अबाउट है भाई, यहाँ चले जाइए, मौर्या मार्केट चौराहा लगता है। अच्छा। यही रोड सीधे चले जाइए तो बंधे भी मिल जाता है, ठीक है। वही बंधे से आपको मान के चलिए 501 किलोमीटर पर आपका रूमी गेट और इमाम बाड़ा वगैरह चौक वगैरह सब मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आसपास जो है काफी बढ़िया है। हाँ, स्कूल अच्छे हैं, सारे स्कूल मिल जाएंगे जी, है ना। रोड अगर सीतापुर रोड की बात करें 1.5 किलोमीटर यहाँ से, नहीं यहाँ से सीतापुर रोड की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर होगी। अच्छा, इधर से 2 से 2.5 किलोमीटर होगी। अच्छा, प्रीति नगर से आपका 1.5 किलोमीटर, वहाँ से 1.5 किलोमीटर है, इधर से 2.5। ये प्रॉपर एरिया गौरभीट लगता है, फैजुल्लागंज। अच्छा अच्छा, मतलब यहीं से सीधा एक रास्ता तो आपका पक्के पुल वाला चला जाता है।
एक जाता है पुरनिया चौराहे पे निकलता है, एक ही जाता है वो ताड़ी खाने पे निकलता है। मतलब ये कि रास्ते काफी हैं और आप घर से निकलेंगे कन्वेंस तुरंत, क्योंकि शहर के अंदर है आप, है बीचों बीच है नगर निगम में, सीवर पड़ा हुआ है, प्राइस नेगोशिएबल है। और आइए, एक मकान और भी है जो की काफी अच्छा और खूबसूरत है और वो भी हम इस वीडियो में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन एक झलक उस मकान की दिखा देते हैं हम और बाकी जो है फिर वीडियो वहीं से ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम दूसरे मकान पर आ चुके हैं और हमने सोचा कि जो है काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत मकान है तो इस वीडियो में आपको ये भी दिखाना चाहिए। देखिए, मकान डुप्लेक्स बना हुआ है, गेट आप देखिए काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, इसमें आपको कार पार्किंग भी मिल रही है और बाहर से ये देखिए प्रॉपर आपको जो है ये कम्प्लीट मिल रहा है कि आराम से आपकी गाड़ी अंदर आ जाए आराम से भाई। एक छोटी कार पार्किंग हो सकती है, दो मोटरसाइकिल आप खड़े सकते थे इधर, आप दो बाइक के आराम से और कार खड़ी कर सकते हैं। इंडिविजुअल समरसेबल लगा हुआ है, इधर देखिए आपको जगह मिल रही प्रॉपर, यहाँ पे आप जो है यहाँ इन्वर्टर रख सकते हैं और ऊपर भी देखिए यहाँ भी कवर्ड है पूरा। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट्स भी दी हुई हैं। उसके बाद फिर आइए अंदर चलते हैं। अंदर जब आप आएंगे तो एक रूम आपको देखिए ये मिल रहा है, ये आपको गैलरी मिलेगी यहाँ तक। ये देखिए गैलरी है, गैलरी में प्रॉपर लाइट वगैरह लगी है, डोर भी यहाँ पे देखिए काफ़ी खूबसूरत आपको मिल रही है और ये डोर भी हमें लग रहा है वाटरप्रूफ होंगे। हाँ भाई, सब लेमिनेटेड डोर है और वारंटेड है। अच्छा, वारंटेड है जी। उसके बाद फिर देखिए हम आ चुके हैं रूम में और ये रूम को कह सकते हैं आप जो है गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम कुछ कह दीजिए। और इसमें आप देखिए पूरा प्रॉपर जो है फॉर सेलिंग का काम काफी खूबसूरत हुआ है और इसमें ये आपने जो लगाए हैं जी काफी मजबूत लग रहे हैं, तो इसमें ये काम काफी अच्छा हुआ है और इसमें दोनों तरफ आपने दिया, दोनों तरफ है भाई। ये देखिए ये भी है, ये भी है, जैसे लाइट वगैरह चली जाए जी तो उसके लिए ये, तो ये पूरा खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए, वेंटिलेशन काफी अच्छा रहेगा। अब इसमें चाहे आप एसी लगवा लीजिए ऊपर वालों में, ये देखिए एसी लगा हुआ है पॉइंट के ऊपर। अच्छा, इसी रूम में टॉयलेट भी दे दिया, तो अटैच टॉयलेट है भाई कि जैसे कोई गेस्ट वगैरह आए तो यहीं से अपना अंदर ले जाना। हां जी, फ्रेश वगैरह बोले। ये कितने स्क्वायर फीट का है मकान? ये 750 स्क्वायर फीट है। 750, फ्रंट कितना है इसका? इसका भाई फ्रंट है 15 15 और गहरान 50 50 की गहरान है। अब आइए फटाफट हम आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। और ये भी आपका रूम 10x10 का है, मास्टर बेडरूम है। अच्छा, ये 10x10 जी, 10x10 का एक रूम ये हो गया। और ये गैलरी भाई आपकी 4 फीट की है, 4 फीट की गैलरी। किचन है, किचन देख लीजिए काफी स्पेसफुल है। स्पेसफुल हाँ, मतलब ये किचन आपका काफी स्पेस है यहाँ पे देखिए, मतलब अच्छा खासा। ये देखिए यहाँ अब जगह के हिसाब से भाई होता है, जैसे ये 750 है वो 600 था तो उसमें थोड़ा सा किचन 750 के हिसाब से इसमें किचन बड़ा है। तो इसमें आप मॉडलर भी बना, मॉडलर भी कहेंगे तो बनवा दिया जाएगा। अच्छा, आप बना करके? हाँ, बना के दे देंगे प्रॉपर। इसमें देखिए सारी चीजें कंप्लीट इसमें लगी हुई है, टोटी वगैरह और इसमें सारी फिटिंग्स हैं। बाकी यहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है नॉर्मल, बाकी आप कहेंगे आप तो जैसा जाएगा। कहेंगे वैसा हो जाएगा। एक रूम आपका ये बेडरूम है जिसमें अटैच टॉयलेट मिलेगा आपको। ये देखिए ये आपका बेडरूम देखिए काफी खूबसूरत और यहाँ पे भी आपको फॉर सीलिंग जो दी गई है वो काफी खूबसूरत है। और कितने बाई कितने का होगा ये भाई? 14x14 का है। 14x14 का है। यहाँ पे प्रॉपर आपको देखिए सारी चीजें प्रॉपर फॉर सीलिंग ये देख सकते हैं आप लोग जी। इसमें ये वॉशरूम भी दिया हुआ है, ये वॉशरूम है, ये भी दिखा दीजिए ये वॉशरूम। इसमें भाई ये भी है कि दोनों इंडियन भी लगी है, वेस्टर्न भी लगी है। अच्छा, दोनों ही है, जो भी यूज करना चाहे वो कर सकता है जी। तो देखिए ये मकान आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा। आगे की रोड की अगर बात करें, फ्रंट पे कितना रोड मिल रहा है इसमें? 20 फीट का रोड है और इसकी फेसिंग की बात करें तो पश्चिम फेस है भाई, पश्चिम फेस जी। एक रूम ऊपर भी है? हाँ, एक रूम ऊपर भी है। तो आइए एक रूम ऊपर भी, वो भी आपको दिखा देते हैं। और ये आंगन है भाई? अच्छा, ये आंगन है, आंगन है, जैसे ब्रश ब्रश करने के लिए है, कपड़े वपड़े धोने के लिए टैब लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए टैब लगा है और ऊपर जाल है बट अभी ढका हुआ है तो रोशनी कम आ रही है। अच्छा अच्छा, अच्छी वजह से। बाकी इधर टाइल्स आपने लगा दिया पूरा। आइए ऊपर चलते हैं, आइए ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पूरी प्रॉपर रेलिंग मिल रही है और ये मार्बल लगा हुआ है यहाँ पे। और मुमटी में भी देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन इधर दिया हुआ है कि आपका जो है विंडो एक छोटा सा है। यहाँ पे भी ये कवर्ड कर दिया है कि बच्चे उच्चे जो है यहाँ से गिरे ना। और ये मुमटी है, ऊपर आपका पूरा स्पेस छुटा हुआ है, एक रूम ऊपर दिया हुआ है। ये देखिए पूरा स्पेस इधर है, आसपास की लोकेशन भी आप देख सकते हैं। और ये रूम है, ये देखिए 8x8
8x14 है लगभग ये, और रूम देख सकते हैं प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, और पूरा फॉर सेलिंग और लाइट सारी चीजें कंप्लीट आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये प्रॉपर विंडो भी भाई बना हुआ है। अच्छा, ऊपर केवल रूम है? हाँ, एक बेडरूम है, स्टोर रूम यूज कर सकते हैं, बगल वाला वॉशरूम नहीं बना हुआ, वॉशरूम नहीं बना है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी बालकनी, बालकनी भी मतलब अच्छा खासा स्पेस है, चेयर्स वगैरह डाल के बैठ सकते हैं आप, ये चीज है, बढ़िया है। बाकी प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रहा है आपको यहाँ पे, देखिए काफी बड़ा विंडो दिया हुआ है, ऊपर जगह छुट्टी हुई है, अगर आप बनाना चाहें कभी तो आप बना सकते हैं। सब पूरा पिलर है, वो बस पिलर अपने ऊपर बढ़ा के आप करवा लीजिए। अच्छा, ये देखिए ये सरिया निकली हुई, हाँ, सरिया निकली हुई पूरा पिलर पे है, और जब चाहें आप तो अपना बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। ऊपर भी एक जो है पानी के लिए वो दिया हुआ है, टैप बना हुआ है भाई, टैप, और दो लाइटें यहाँ ऊपर दी हुई है, लाइट है। तो आप आए एक बार विजिट करें, देखें तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लोकेशन की बात, जैसा कि सेम लोकेशन पे दोनों लोकेशन मकान सेम है, फैजुल्लागंज और फैजुल्लागंज में ही है ना। बाकी आपके पास प्रीति नगर आसपास के एरिया में बहुत, बहुत सारे हैं। इसका जो रेट है वो क्या है, इसमें कुछ डिस्काउंट भी है आपके माध्यम से? जी, रेट तो हम लोग का 34 लाख था। अच्छा, मगर अब इस वीडियो के माध्यम से जो आएगा उसके लिए 2 लाख रुपए छूट है, 2 लाख रुपए छूट है, डिस्काउंट मिलेगा उसको। तो बिल्कुल आप आइए, ये मकान आपको 32 लाख रुपए में मिलेगा, जो कि 750 स्क्वायर फीट डुप्लेक्स ऊपर भी है नीचे भी है, और मकान भी काफ़ी अच्छे से बना हुआ है, जैसा कि आपने देखा ही है कि सारी चीज़ें कंप्लीट आपको मिल रही हैं। बाकी तो आप विज़िट करें, आइए ऑन टेबल बैठ करके भाई से बात करिए, मकान आपको मिल जाएंगे, और भी जो हैं भाई वो भी दिखा देंगे, काफ़ी मकान आपके पास है। सिटी के अंदर अगर आप ढूंढ रहे हैं, देखिए लखनऊ के अंदर आपको मकान बहुत जगह मिल जाएंगे, आपको दूर दूर में मिल जाएंगे, फैजाबाद रोड या और कहीं कहीं भी लेंगे आप तो काफ़ी दूर दूर मकान मिलते हैं। अब सफेदाबाद में मकान ले रहे हैं, हमने देखा वहाँ 1,000 स्क्वायर फीट के मकान का जो रेट चल रहा है वो 67 लाख रुपए है कि नहीं? जी भाई जी, 55 लाख और 50 लाख ये रेट चल रहे हैं 1100 स्क्वायर फीट भाई। घनी आबादी है यहाँ पे, स्कूल वगैरह है जी, और मैरिज हॉल वगैरह है, एटीएम है, बैंक है, सब मतलब सभी सुविधाएं, सारी सुविधाएं आसपास, बिल्कुल मार्केट बगल में है, सब बगल में। तो ये सब अन्ना मार्केट यहाँ से मुश्किल से हमें लग रहा है कि 1 किलोमीटर होगा, और यहाँ मौर्या मार्केट लगता है भाई यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस, अन्ना मार्केट 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर अन्ना मार्केट होगा, 500 मीटर मौर्या मार्केट, वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती है, टेम्पो ऑटो वगैरह सारी चीज मार्केट है, आपको जहाँ भी जाना हुआ में है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आएं, देखें, विजिट करें, और प्रॉपर तरीके से आपका जो है काम करा दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे लोन कराना चाहते हैं 90% बैंक करती हैं, बहुत सी बैंकें करती हैं, बट ये है कि सरकारी बैंकें लोन नहीं करती हैं। अच्छा, नेशनलाइज बैंक यहाँ पे मना कर रखा है, वो केवल एलडीए और आवास विकास पे करती है। अच्छा अच्छा, मतलब वो एलडीए होना चाहिए जी, वो भी सरकारी जमीन है उसी पे करती है, यहाँ की जमीनों पे नहीं करती। यहाँ पे LIC से हो जाएगा, LIC हो जाएगा, PNB हाउसिंग से हो जाएगा, ICICI बैंक से हो जाएगा, HDFC से हो जाएगा, तो ये सारे बैंक से हो जाएगा लोन। 90% तक लोन है, 10% दीजिए और आइए यहाँ पर। बुकिंग अमाउंट की अगर बात करें तो क्या होगा, 1 लाख रुपए देके भी भाई बुक करा सकते हैं, करके बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिख करके बताइएगा, अपनी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए अच्छा मकान और अच्छे प्लॉट्स, अच्छी प्रॉपर्टी लखनऊ के अंदर हम लाते रहें ऐसे ही। अगर आपकी भी कहीं प्रॉपर्टी है लखनऊ के अंदर, आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक वो पहुंचे, तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और वीडियो आपका भी बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सबसे नीचे जो नंबर मिलेगा ओनली व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके डिटेल अपनी प्रॉपर्टी की दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो आपका भी बन जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, गुड बाय।